नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको हम बताएंगे आइसलैंड पॉपी का लगाने का विधि, जो कि आप किसी भी नर्सरी से इसका प्लांट आप ला सकते हैं। ये आइसलैंड पॉपी है, ये आपको जमाइन के प्लांट की तरह लगेगा, जो ऐसा ही आता है, या एक घास जो आता है वो ऐसा ही आता है। लेकिन ये आइसलैंड, ये रात का वीडियो थोड़ा है, इसलिए इसमें फूल मुरझाए हुए हैं, मतलब मुरझाए बंद हो जाते हैं और दिन में गजनिया की तरह खिल जाते हैं। ये छोटा छोटा फ्लावर, ये मल्टीपल कलर में आते हैं, 5-6 कलर में। हम तो अमेजन से लिंक से मंगवाए हुए थे, क्राफ्ट सीड वाले से, कॉम्बो पैक उसी में मिला है। आपको भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऐसे ये पीला थोड़ा वो है, इसका प्लांट लगाने का बहुत आसान विधि है। आप इसका डाली से भी लगा सकते हैं, इसका कटिंग भी बहुत अच्छा लग जाता है। इसमें देखिए, इसका फ्लावर जो कली रहता है वो झपा हुआ रहता है, जैसे पोपी में रहता है। लेकिन पोपी का प्लांट का फ्लावर बंद हो जाता है, रात में नहीं बंद होता है, और इसका बंद हो जाता है। और ये आपको 4-5 दिन फ्लावर इसका चलता है। इसको आपको एक गमला भी, दो प्लांट भी लगा सकते हैं, 6 इंच वाले गमला में। इसको भी आप 15 दिन पे एक मुट्ठी मस्टर्ड के का आप देते रहें, खाली जो आता है 15 दिन पे। और आपको वर्मिंग कंपोस्ट का पानी, 1 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम वर्मिंग कंपोस्ट मिला के डालते रहिए, उसी का पानी, तो उससे भी ये बहुत अच्छा फ्लावर देगा। ये इसमें 75% गार्डनर सोलर, 25% वर्मिंग कंपोस्ट मिला के आपको गमला में मिट्टी बनाना है और ये प्लांट लगा देना है। आप इसका प्लांट नर्सरी से ला सकते हैं अगले साल के लिए रख ले। पोपी आइसलैंड, मेरे पास पोपी आइसलैंड का ऐसे तो 5-6 प्लांट है। ये एक प्लांट अभी फ्लावर दिया है और सब फ्लावर देने वाला है। अब भी इसको लगा के देखें, अगर इस साल नहीं लगाए हैं तो अगले साल के लिए इसको रखें। ये जब अप्रैल तक आपको फ्लावर देते रहेंगे, अप्रैल के बाद ही ये इसमें बीज डालना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मैं बीज के लिए छोड़ दिया हूँ, आप भी छोड़ दीजिएगा बीज के लिए। अगर आपके पास प्लांट हो तो इसका अपने से प्लांट में एक बार लगा दीजिएगा, तो ये दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसका पोपी आइसलैंड, आइसलैंड से हमें तो लगता है ये आइसलैंड का नेटिव होगा, वहीं से आया होगा। जो भी हो, आप इसे इसका कटिंग भी ला सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, और आप इसका प्लांट से भी लगा सकते हैं। 1 साल लगाइएगा, उसके बाद तो लाने कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसका प्लांट तो आपको 3 या 2 रुपए में मिल जाएगा। इसका अगर गमला वाला प्लांट मिले तो वो आपको 30 या 40 रुपए में मिल जाएगा, या अगर प्लास्टिक के बैग में मिले तो 10-20 रुपए में मिल जाएगा, जैसा आपके नर्सरी में, निजी कार्टन नर्सरी में मिले। या सीड मंगवाना चाहे तो अगले साल के लिए, अगले साल अगस्त में इसका सीड गिरा दे, सितंबर तक आप लगा दीजिएगा तो ये दिसंबर तक आपको फ्लावर देने लगेगा। नहीं तो आप नवंबर तक लगाइएगा, आपके इधर जैसा ठंड हो उस हिसाब से लगाइएगा, तो ये अभी फ्लावर देगा। मेरा इधर ही 10 दिन से फ्लावर देने का स्टार्ट किया है और ये अप्रैल तक 1 महीना फ्लावर देगा, उसके बाद ये प्लांट सूख जाएगा। ये सीजनल प्लांट होता है। देखिए, एक ऐसा घास भी आता है, वो नहीं है, लेकिन ये फ्लावर है पोपी आइसलैंड का। इसमें छोटे छोटे इसका सीड आपको सरसों की सीड की तरह लगेगा, जैसे आप सरसों का सीड काला काला देखते हैं वैसा ही रहता है। इसका सीड से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका जितना सीड रहेगा उतना प्लांट जन्म जाएगा, और इसका प्लांट एक बार जन्म जाएगा तो उसके बाद उसे ही उखाड़ के अलग अलग कर दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा लग जाएगा। एक बार लगाने के बाद इसका अगर नीचे का जड़ टूट भी जाए तो ये लग जाता है,
थोड़ा भी जड़ लगा रहे तो आपका ये प्लांट ग्रो अच्छा कर जाता है। वैसे तो आपके किस्मत के ऊपर है, इसका बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो ये रूट ये हो जाएगा और गल जाएगा इसका प्लांट और मर जाने का चांस जल्द से जल्द रहता है। ऐसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, आप इसे ज़्यादा गर्मी हो तो दो टाइम पानी दें, वो आप गमले में लगाएंगे। अगर हम तो ज़मीन पे लगाते हैं तो हमको तो उतना आवश्यकता होती नहीं है, 4-5 दिन पर पानी देते हैं। आप 2-3 दिन आप भी गमला में लगाएं तो सुबह शाम दें, अगर आप ज़मीन पे तो आप भी 4-5 दिन पे दे सकते हैं। जब गर्मी बढ़ेगा तो पानी रोजाना देंगे, तो इसमें पानी लगा के छोड़ दिया जाएगा। आप धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।